अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ अक्खी मसूर का पुलाव। ये बहुत ही आसान और सिंपल पुलाव है हमारा, एकदम झटपट तैयार होने वाला। ये मैंने 1 कप तेल को पहले से गरम कर ली हूँ। अब इसमें हम सबसे पहले ये प्याज फ्राई करेंगे। ये मेरी 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसे मैंने बारीक काट ली हूँ। प्याज को हम लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी प्याज अब गोल्डन फ्राई हो चुकी है। इसमें से आधी प्याज को ये मैं निकाल लूँगी। देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा कलर हमें चाहिए। आधी प्याज इसमें से निकाल लेंगे। आधी प्याज को मैंने निकाल ली हूँ। अब इसमें हम ये अपना ये टमाटर डालेंगे। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिसे मैंने इस तरह काट ली हूँ। ये हमारी 8 से 10 हरी मिर्च है, जिसे मैंने इस तरह कट लगा ली हूँ बीच में से। अब इसे भी फ्राई कर लेंगे। टमाटर को ये दोनों मैंने ये फ्राई कर ली हूँ। अब इसके बाद इसमें हम ये खड़ा गरम मसाला डालेंगे। ये मैंने 1 चम्मच जीरा ली हूँ, 3 हरी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च, 1 ये फूल है चक्री, और 2 दालचीनी का टुकड़ा, ये 2 तेज़पत्ता, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसे 2 मिनट तक हम और पका लेंगे। देखिए हमारा टमाटर अब फ्राई हो चुका है। इसे हमने 2 मिनट फ्राई किए हैं, टोटल 4 मिनट इसे हम फ्राई किए हैं। अब इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसमें हम 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसमें अदरक लहसुन ये ज़्यादा इसमें हम डालते हैं, इससे हमारा पुलाव का टेस्ट और भी बढ़िया आ जाता है। इसमें हम 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी हम फ्राई करेंगे 2 मिनट तेज आंच पर। हमारा अदरक लहसुन भी फ्राई हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें ये आलू डालेंगे। ये आलू मैंने 3 मीडियम ली थी, इसे इस तरह हम काट लेंगे। ये देख सकते हैं, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। इसे हम 5 मिनट तक मीडियम आंच पर ढककर पकाएंगे। बीच में इसे चेक भी कर लेंगे। हमारा 5 मिनट हो चुका है, अपना आलू चेक करेंगे। देख सकते हैं हमारा आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। बीच में इसे हमने चेक भी किए थे। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, इससे हमारे पुलाव का टेस्ट और भी बढ़िया आ जाएगा। ये हमारे मसाले हैं। ये इसमें मसाला जाएगा 1 चम्मच ये गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, काली मिर्च ये 1/2 चम्मच, नमक 1.5 चम्मच मैं डालूँगी। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये लाल मिर्च कूटी हुई ये 2 चम्मच है, तीखा हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये सौंफ है, इसे मैंने दरदरा पीस ली हूँ। सौंफ हम 1.5 चम्मच पीसेंगे। ये दही है, दही हमारी ये 4 चम्मच है बड़े चम्मच से। और ये पुदीना और धनिया पत्ती का पेस्ट है, ये तकरीबन ये 1 प्याली है, इसे अंदाजे से मैंने पीसी हूँ। अब इसमें हम आलू में अपने ये सारे मसाले डाल देंगे। मसाला डालेंगे, धीमी आंच पर हम डालेंगे ये सौंफ का पेस्ट, इसे भी हम डाल देंगे। इसे दरदरा मैंने पीस ली थी। और ये धनिया पत्ती और पुदीने का पेस्ट, इसमें हम ये पानी डालेंगे। ये वही पानी है जिसमें मैंने पुदीना और धनिया का पेस्ट पीसी थी। इसमें हम हल्दी नहीं डालेंगे। इसे हम
मसाला पकने तक इसे हम पका लेंगे अच्छे से। फिर इसके बाद हम इसमें दही डालेंगे, इसे हम 5 मिनट तक और पकाएंगे ढककर। हमारा 5 मिनट हो चुका है, अपना मसाला चेक करेंगे। देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसके बाद इसमें हम अपनी ये दही डाल देंगे। अब इसे भी हम दही हम धीमी आंच पर डालेंगे, नहीं तो हमारी दही फट जाएगी। इसे हम पका लेंगे जब तक हमारा ये तेल ऊपर ना आ जाए, अच्छे से मसाला अच्छे से पक ना जाए, दही भी हमारी दही का पानी अच्छे से गल ना जाए, तब तक इसे हम पका लेंगे। इसे 5 मिनट तक हम और पकाएंगे। ये देखिए हमारे दही मसाले सब अच्छे से पक चुके हैं। ये देख सकते हैं हमारा आलू भी तकरीबन अच्छे से पक गया है। ये देख सकते हैं आधा हमारा आलू चावल के साथ पक जाएगा, आधा हम मसाले में पका लेंगे। इसे पूरा नहीं पकाएंगे, नहीं तो हमारे आलू ज़्यादा गल जाएंगे, खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। अब इसके बाद इसमें हम ये अक्खी मसूर डालेंगे, ये काली वाली। ये अक्खी मसूर मैंने ये एक पाव ली हूँ, इसे साफ धुलकर ये मैंने 15 मिनट तक इसे भिगो कर रख दी थी। ये देख सकते हैं ये इसे। अब इसके बाद इसमें हम ये अपनी अक्खी मसूर डाल देंगे। अक्खी मसूर को मैंने उबाली नहीं, इसे साफ धुलकर 15 मिनट के लिए रख दी थी। इसे हम देर तक नहीं रखेंगे, भिगाएंगे, नहीं तो हमारी ये दाल बहुत जल्दी ये गल जाती है, खाने में अच्छी नहीं लगेगी, हमारा पुलाव अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए हम 10 से 15 मिनट तक ही इसे भिगो कर रखते हैं। अब इसे भी हम मसाले के साथ 5 मिनट तक पका लेंगे ढककर। 5 मिनट हो चुका है, हम इसे चेक करेंगे। देख सकते मसाले के साथ हमारी दाल भी अच्छे से पक चुकी है। देख सकते हैं तेल भी साइड में आ चुका है। अब इसके बाद इसमें हम ये पानी डालेंगे। पानी हम अपने चावल के हिसाब से डालेंगे। ये मैंने 4 गिलास चावल ली थी, इसे साफ धुलकर आधे घंटे के लिए रख दी थी। जितना ज़्यादा हम रखेंगे उतना ज़्यादा देर तक रखेंगे उतना ज़्यादा हमारा चावल अच्छा बनेगा पुलाव खिला खिला। 4 गिलास चावल में हम 6 गिलास पानी डालेंगे। जिस गिलास से हम चावल लिए थे वही गिलास से नापकर हम पानी डालेंगे। इसके बाद हम इसमें ये पानी डाल देंगे। ये 6 गिलास ये पानी है। यहाँ पर हम अपना नमक चेक कर लेंगे। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम पका लेंगे। पानी हमारा अच्छे से ये पक जाएगा। अब उसके बाद इसमें हम चावल डालेंगे। उबाल आने तक इसे हम पकाएंगे तेज आंच पर। ये देखिए हमारा पानी अब पकने लगा है, देख सकते हैं। अब इसके बाद इसमें हम ये 1 चम्मच ये कसूरी मेथी डालेंगे। चम्मच से ये 1 चम्मच है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी डालने के बाद इसमें हम अब ना ये चावल डाल देंगे। चावल को ये हमने डाल दिए हैं। चावल को अब हम मिक्स कर लेंगे हल्के आंच से। इसे हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे, जैसे इस तरह इसे हम बराबर कर देंगे। अब इसे हम खोलकर पकाएंगे, ढककर नहीं, जब तक हमारा पानी अच्छे से ये खुश्क ना हो जाए, चावल हमारा दिखाई ना दे, तब तक इसे हम खोलकर इसी तरह पकाएंगे 5 से 10 मिनट तक तेज आंच पर। फिर इसे हम दम देंगे। ये देखिए हमारा पानी अब अच्छे से खुश्क हो चुका है। ये देख सकते हैं ये साइड से इस तरह हल्का हल्का पानी ये दिख रहा है।
देख सकते हैं बिल्कुल हमें ऐसे ही चाहिए। अब इसे हम दम लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम ये टमाटर की तह लगाएंगे। सबसे पहले हम ये टमाटर रखेंगे। टमाटर हम लगा चुके हैं। अब इस पर हम ये पुदीना पत्ती थोड़ी सी डाल देंगे, ये धनिया पत्ती और ये प्याज हम डालेंगे, ये जो हमने बचा ली थी आधी प्याज, इसे भी हम डाल देंगे ऊपर से। ये हमारा पुलाव बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। अब इसमें हम ये फ्रूट कलर डाल देंगे। अब अपने पसंद का कोई सा भी डाल सकते हैं। इसे हम साइड से थोड़ा थोड़ा डालेंगे तरह। और ये ऑरेंज कलर है, इसे भी हम डाल देंगे थोड़ा सा। अब इसे हम धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे, फिर इसे हम सर्व कर बताएंगे। हमारा 15 मिनट हो चुका है, गैस को हमने बंद कर दिए हैं। अब हम अपना पुलाव चेक करेंगे। देख सकते हैं मसाला कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है और भाप भी कितनी बढ़िया आई है। हमारा पुलाव बनकर तैयार है। इसे हम 5 मिनट के बाद सर्व कर बताएंगे। ये देख सकते हैं चावल भी हमारा कितना खिला खिला बना है। इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे 5 मिनट के बाद, इसे हम सर्व कर बताएंगे। इसे अभी हम नहीं चलाएंगे, नहीं तो हमारे चावल टूट जाएंगे। देख सकते हैं कितने खिले खिले बने हमारे चावल, देख सकते हैं। अब इसे हम 5 मिनट के बाद सर्व कर बताएंगे। ये देखिए हमारा अखी मसूर पुलाव बनकर तैयार है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा पुलाव बहुत ही टेस्टी एकदम ज़बरदस्त बना है। देख सकते हैं चावल भी एकदम खिले खिले हैं। इसे सलाद के साथ, रायते के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये एकदम सिंपल पुलाव है, बिल्कुल मेरे तरीके से बनाएं। मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।